शहर के वार्ड संख्या 7 की मिल कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से बार बार ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र के पुराने तथा बहुमंजिला इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की नौबत आ रही है। साथ ही वार्ड में निवास करने वाले लोगों के पुराने तथा जर्जर मकान भी गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र के बुजुर्ग तथा छोटे बच्चे मारे दहशत के डरे हुए हैं। कॉलोनाइजर को इस बाबत मौखिक रूप से समझाइश करने तथा शिकायत करने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को मील कॉलोनी के सैकड़ों लोग वार्ड पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर से मुलाकात कर इस संबंध में शिकायत देते हुए संबंधित कॉलोनाइजर को आवासीय क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं करने हेतु पाबंद करने की मांग की। जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत में बताया गया कि मील कॉलोनी क्षेत्र में एक कॉलोनाइजर नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से ब्लास्टिंग करता है, जिसके कारण आसपास के लोगों के मकानों को नुकसान हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शिकायत में ब्लास्टिंग के बाद क्षेत्रवासियों ने कॉलोनाइजर से मुलाकात कर ब्लास्टिंग से होने वाली परेशानी तथा नुकसान के बारे में बताते हुए ब्लास्टिंग नहीं करने की बात कही थी, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा क्षेत्रवासियों की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर आवासीय क्षेत्र में लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत के दौरान पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि क्षेत्रवासियों की परेशानियों से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। उन्होंने शीघ्र ही इस प्रकरण की जानकारी करवा कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आवासीय क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं करने के लिए पाबंद करने का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर को शिकायत देने के दौरान मील कॉलोनी निवासी प्रदीप लाहोटी, नंदकिशोर डाबला, देवकी नंदन शर्मा, मोहनलाल मूल सिंह, अखिलेश विक्रम, नरेंद्र परिहार, राम सिंह, रोहित गहलोत, लक्ष्मण सिंह रावत, पृथ्वीराज, जितेंद्र परिहार तथा विशाल सहित अन्य शामिल थे। हमारे वार्ड में मील कॉलोनी क्षेत्र में जो अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया था। हमने पूर्व में कॉलोनाइजर को मौखिक रूप में कहा था कि भाई आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, ये आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पे जनहानि हो सकती है। मौखिक रूप से कहने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। कल शाम 7 बजे के आसपास 4 ब्लास्ट एक साथ किए, और ब्लास्ट भी बहुत धमाके बहुत जोरदार सुने हैं आवाज उनकी, और कहीं की कोई परमिशन नहीं है उनके पास, ना कोई परमिशन है उनके पास। परमिशन है तो परमिशन दिखाए, और परमिशन आवासीय क्षेत्र में दी किसने, उन पर भी कार्रवाई हो। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि तुरंत प्रभाव से इस कॉलोनाइजर का काम रुकाया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।